बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह ताला आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मीठे दही बड़े की रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले चाहिए हमें 1 कप बेसन, और अब मैं बेसन में शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून अजवाइन। जी ये मेरे पास अजवाइन है, ये शामिल कर दी। हसब ज़रूरत नमक शामिल कर दिया। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दिया। 3 चुटकी हल्दी पाउडर शामिल कर दिया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 खाने का चम्मच ऑयल। अब मैं इसमें शामिल करूँगी मीठा सोडा 1/2 टीस्पून, और अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। पानी शामिल कर दिया, अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जी तो देखें दही बड़ों का मसाला हमारा तैयार हो चुका है, ये देखें। जी तो देखें दही बड़े का मिक्सर हमारा तैयार हो चुका है, ये देखें इस तरह से। अब मैं ऑयल को गर्म कर लेती हूँ और 5 मिनट के लिए इसको कवर करके छोड़ देंगे। तो देखें ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें हाथ की मदद से डालती जाऊँगी मिक्सचर को लो फ्लेम पे। ये देखें फुलकियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। मैं ये देखें दही बड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। अब एक साइड पे मेरे पास है नीम गर्म पानी, ये मैं इसमें शामिल करती जाऊँगी। जी तो यहाँ मेरे पास 1.5 कप दही, इसमें मैं शामिल करूँगी 5 खाने के चम्मच चीनी। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीनी हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब मेरे पास है 1 कप दूध, दूध में इस दही में शामिल कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारी चीनी ठीक तरह से मिक्स नहीं हुई, हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो हमारी जो चीनी है शुगर वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। एक खाली बर्तन लेंगे और इसको हल्के हाथों से प्रेस करेंगे ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए। अब ये मीठा दही आहिस्ता आहिस्ता हम इसके ऊपर डालते जाएंगे। मेरे पास इमली की खट्टी मीठी चटनी, ये भी हम इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी करके शामिल करते डाल दे जाएंगे। तो देखिए माशाल्लाह से दही बड़े, मीठे दही बड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। कैसी लगी आपको मेरी आसान और इजी रेसिपी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़।